What's up everyone, welcome back to a new vlog. So, आज है 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन. So, ये vlog actually आप कल देखोगे, न्यू ईयर वाले दिन. So, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी न्यू ईयर, बहुत ज़्यादा मुबारक हैं आपको हैप्पी न्यू ईयर की, नवे साल की. आप सबके लिए साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहे. और ये जो 2022 था, ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा है, क्योंकि पता ही आप सबको कि हमारी शादी हुई इस साल. और मतलब रोका तो हमारा दिसंबर में हो गया था 2021 में ना, उसके बाद जैसे न्यू ईयर हुआ पिछले साल से, तब से तैयारियाँ चल रही थी. जैन फेब मार्च अप्रैल मई, मतलब हमारा तो काफ़ी बढ़िया रहा साल. होपफुली आपको भी बहुत अच्छा रहा हो और आगे वाला साल भी सबके लिए बहुत अच्छा रहे. और आज हम न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करेंगे ना, वो आपको दिखाते हैं कि प्लान क्या है हमारा. और फिलहाल तो अभी बज रहे हैं 3 और हमारा सबसे पहले प्लान है डी मार्ट जाने का, क्योंकि हमारा कुछ ऐसे बाहर जाके कुछ सेलिब्रेट करने का वो नहीं है कि क्योंकि एक्चुअली बात क्या, एक तो जीरा कोना सबसे ज़्यादा है ढाबे. तो ढाबा पर खाना खाना, घर पे खाना खाना, इस सेम चीज़ ही हो जाती है. तो इसलिए फिर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह चंडीगढ़ में जाना नहीं चाहता, वो भी 31 मार्च को चलान ये सब पता नहीं इतना कुछ होता है वहाँ पे, मतलब रिस्ट्रिक्शंस वगैरह. तो हम अवॉइड करते हैं कि मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएँ, एरियाज वगैरह जहाँ पे पार्टीज वगैरह होती हैं. और घर वाले भी हमारे यही बोलते हैं कि क्या करोगे, मतलब इतनी भीड़ भाड़ में जाके, ऐसे दिनों को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे घर वाले बोलते. तो बाहर जाके यार फिर आज भीड़ भाड़ का भी बहुत ज्यादा होता है. चंडीगढ़ तो वैसे भी बहुत ज्यादा भीड़, अभी तो हम जा भी डी मार्ट रहे हैं, अभी भी पता नहीं कितनी भीड़ होगी. तो वही जो घर पे, तो हाँ प्लान हुई है कि घर पे बना के कुछ खाएंगे, तो उसी लिए सामान वगैरह देख लेते हैं डी मार्ट जाके. हाँ तो वही 4-5 साल से हम वैसे भी घर पे ही कर रहे हैं. हाँ जब से हम मुंबई में मिले तब से हम कभी पार्टी वगैरह में गए भी नहीं ना, कभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन वगैरह, इसलिए हम घर पे करते हैं. सो अभी निकलते हैं, 3 बज रहे हैं, देखते हैं कितना क्राउड मिलता है बाहर, उस हिसाब से फिर आके कुछ खाएंगे बनाएंगे, बस इस तरह से हम सेलिब्रेट करेंगे. बहुत अच्छी लग रही है यार तुम्हारी स्वेट शर्ट. हाँ लग गई नहीं रही 250? हाँ महंगी लग रही, महंगी मिल गई, ये तो तुम्हारे साइज की परफेक्ट है ना. कैसा लग रहा है फिर पहन के? बालू टाइप लग रहा है, थोड़ा सा मटेरियल अजीब सा है ना. नहीं अच्छा है यार मटेरियल. हाँ थोड़ा मैं ऐसा पहनता नहीं इस टाइप की. हाँ. किस टाइप की पहनते हो तुम? जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा है. हाँ बहुत सॉफ्ट फीलिंग नहीं आती. हाँ नहीं अच्छी लग रही मुझे तो काफी. और मैंने पहना है ये वाला जैकेट. अरे जीरो तो दबाओ पहले. लिफ्ट भूल जाते हैं हम. ये तो तुम्हारे तो पता है कैसे लग रही है, वो एस्ट्रोनॉट नहीं पहनते. जबरदस्ती करके तुमको बोला था ले लो ले लो, ये अच्छी लगती है. लास्ट पीस ही पड़ा था याद है तुमको, जबरदस्ती उठवाया था मैंने. मैंने कहा चलो तुमने कहा है तो मैं तुम्हारी पसंद जरूरी है. कपड़ों में वैसे मुझे पसंद है, तुम तो कंफ्यूज ही रहते हो. जिंदगी में सबसे कंफ्यूज लड़की देखी है मैंने. जो रात को दवाई लेने से पहले भी पूछे अरे दवाई खा लूं क्या मैं, तुमको पता होता है खानी है नहीं खानी. ना आदत से है यार, क्या करते कंफ्यूज होने की. हां कंफ्यूज होने की नहीं, मतलब पूछने की ऐसे. अच्छा पूछने क्या कर सकते हैं यार, हमारी बाइक तो नहीं. नहीं बाइक पे तो वो हो जाएगा थोड़ा. तुम्हारे फिर से हैंगर खड़े हैं. हैंगर नहीं होता बाइक पर होता है. हां सॉरी अंग्रेज है. बाइक पर खड़े करो उसको नीचे. ड्रॉप करूंगी क्या उसको? नीचे करो वाइपर को, या तो ये बैग पकड़ो. मुझे लगा यहाँ की कितने मुझे वो करोगे जेंटलमैन वाला ना. ओह सो हमारा हो गया जी थोड़ा सा प्लान में चेंज, क्योंकि जैसे हम ट्रैफिक में पहुंचे डी मार्ट, भाई साहब इतनी पार्किंग ना इतना फुल पड़ा है, ऊपर से जगह नहीं, जब पार्किंग की जगह नहीं अंदर तो बंदे सोचो कितने होंगे. और हमको तो एक्चुअली ज्यादा भी सामान नहीं था, हमारा तो 5-6 आइटम थी. हमने सोचा क्या इतने ट्रैफिक, मतलब जाएंगे कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा. बहुत ज्यादा रश था यार, बहुत ज्यादा. हम तो उल्टा घूम के वापिस आ गए सीधा. इसलिए फिर अभी सोच रहे हम नॉर्मली दुकान से ले लेंगे 5-6 चीजें खाने पीने की, बस अपनी बहनों को एक एक न्यू ईयर गिफ्ट. उन दोनों को दूंगी, उनको भी अच्छी लगेगी. उनके लिए भी लिया मैंने एक एक, बहुत टेस्टी है यार. मैंने खा के देखी, मैंने पूरी खत्म कर दी. तो एक एक उनके लिए ले ली, एक अपने लिए और ले ली. सो अभी सिर्फ मेरी एक ही बहन आने वाली है नीचे, दूसरी वाली आ नहीं रही है. दूसरी वाली को बहुत सारे काम होते हैं इसलिए. सो या जॉली को देंगे एंड
डैडी को देंगे एंड उसका देखेंगे एक्सप्रेशन कैसा है। पहले बताओ मैं कैसी दिख देती हूं। क्या है फेंक दिया इसने? अबे यार खाने की चीज है। चलो अब तू ही आई है, तेरे लिए तड्डू को तो मिलेगा नहीं, वो आई नहीं उसको थोड़ा मिलेगा। अब हम खाएंगे उसके हिस्से का। सो गाइस हम लोग वापस आ गए हैं और डोली जो डरी मजा आ गया देख के, उसको लगा पता नहीं मैंने क्या ही रख दिया उसके हाथ पे। अभी हम लोग पहुंच गए अपने घर पे। अभी खाना तो मैंने बना लिया था सवेरे, अभी लंच करेंगे यार, छोले बना लिए थे मैंने ना, और अभी खाएंगे देन आप लोगों को मिलेंगे, फिर हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। फिर हम इस भूख लगी है, मैंने ये थोड़े से सूखे छोले निकाले थे अपने लिए, ये खाती हूँ मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं यार सूखे छोले। राज भी थोड़े से खाओगे तुम सूखे छोले? नो नो सुनो, सुन रहे हो, एक बार खा के देखो इतने टेस्टी बने ना छोले, फैन हो जाओगे तुम, एक चम्मच खा के देखो बहुत टेस्टी बने हैं यार, है ना? टेस्टी है ना यार? इतने से क्यों बना रहे हो? बस यार थोड़े से निकाले ना, मैंने तरी वाले बनाए हैं ना, और तो एक दो चीजें थी जो हमको मार्केट से मिल गई थी जो हमने ऑनलाइन मंगवा लिए। एक तो है ये हमको बहुत अच्छा लगता है वेजी पिज्जा पॉकेट, ये पूरे वैसे है बॉडी लोशन तुम्हारे लिए। बॉडी लोशन क्यों दिया, कुछ खाने का देते है यार, पता नहीं खाने का फ्री देना चाहिए था। सो ये दोनों चीजें हम करेंगे एक डेढ़ घंटे में, जब भूख लगेगी तब खाएंगे। अभी तो नहीं लगी ना? ना ना अभी तो खाना खाया हमने। आज मुझे लग रहा है फोग भी बहुत ज्यादा जल्दी हो गई है, है ना, फोग लग रही है सारी की सारी, आज बहुत जल्दी हो जाएगी 31 दिसंबर को ना। क्या कह रहे हो? हम क्या बच चुके हैं? मैं कंफ्यूज हो रही थी कितना टाइम हुआ है, मैं कंफ्यूज हो रही थी टाइम में कि कितना, मैं समझ नहीं आ रहा था। तो बोल देते छोटी सी इतने पे बड़ी सी, बड़ी बचपन में ऐसे ही सीखते थे ना टाइम। हम अभी 2 मिनट पहले आतिशबाजी होनी शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी होती है। हाँ वहाँ पे हो रही है सर पे, जहाँ पे हमारा पुराना घर था उसके, हाँ वहीं पे ही हो रही है यार। बज चुकी 12 बजने वाली है। ए राजवीर बहुत ज्यादा धुंध है यार, आतिशबाजी हो आप सबके लिए ये साल बहुत ज्यादा अच्छा रहे, ठीक है? हमारे लिए जैसे पिछला साल अच्छा रहा, हमारी शादी हुई, बहन की खुशखबरी मिली, नई खुशखबरी आई, हमारा आने वाले साल भी आप लोगों के साथ, मतलब हमारा भी और आप सबका भी बहुत अच्छा रहे, इसलिए हम ये विश करते हैं। सो ये 12 बज चुके हैं, सो ये होपफुली ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया, हम ये ब्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और यहाँ पे फोन किया था वो सब सोच चुके हैं, हमने पहले एडवांस में बधाई दे दी, बाकी सुबह उठ के करेंगे। कल हम जाएंगे गुरुद्वारा साहिब मथा टेकने, पहला दिन है साल का, और अभी करते हैं हम सब, हम अपने भाई बहनों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बाय बाय।